हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक नए ब्लॉग में, धमाकेदार ब्लॉग में आपका स्वागत है। कल का ब्लॉग आ नहीं पाया, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज थोड़ी सी किरण की तबीयत खराब थी, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी, तो ऐसे में ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं किया, तो ब्लॉग बना नहीं। और मेरे पीछे देखो, बिल्कुल सनराइज हो रहा है, सुबह पहले का टाइम है, बहुत मस्त मस्त भीनी भीनी ठंड पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। सुबह पहले जब घर से यहाँ पे आते हैं ना, पहले तो केवल टी शर्ट में आ जाता, अब ट्रैक पहन के आना पड़ता बिकॉज ठंड का एहसास होता है। थोड़ा गला अभी भी खराब है, तो चलते हैं, आपको जिम दिखाता हूँ। बहुत दिनों का जिम दिखाए हुए, आज बच्चे की भी देखो तादाद कम है, बहुत कम है, और 7 बज गए तो कुछ बच्चे जा भी चुके, तो चलो लेके चलते हैं आपको जिम में। तो बस ये है अपना जिम, ये थोड़ा आलसी बैठा रहता है। आज देखो जिम खाली खाली लग रहा है, बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। और मेरे साइड का पोर्शन लगभग कंप्लीट होने में है, ये साइड का पोर्शन कंप्लीट हो जाए। और ये छोरा ने, इस छोरे को ना मैं 6 बजे को उठा रहा हूँ, नीचे भेज रहा हूँ, कभी कहाँ जाके बैठता है, कभी कहाँ जाके बैठता है। और ये देखो कैसा लग रहा है, मैंने कलर तो हो गया इसके अंदर, हो सकता है आज कांच में लग जाएंगे, कांच लगने के बाद में और भी अच्छा लगेगा। तो फुल जिम का टूर दूंगा मैं आपको, अभी तो ये शॉर्टकट ही दिखाया है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? राम राम। ये मैं बोलती हूँ, बोलती हूँ राम राम। क्या बोलती है तू? ये बोलो क्या बोलते हैं? क्या बोलती राम है? राम 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 जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया हो है? ये टकलू क्या बोलता है? गंजू पटेल कैसे आता है ये? तो वैसे ये ना, इसको गंजू पटेल बोल रहे, चिढ़ा रही है, इसको डंडा मारो भी डंडा निकले का तेल है। वो देखो वो बग गई। क्या हर रोज मुझे मारता है? हर मारता है, पिटाई कर दूंगा तेरी। इस जा रहे हैं हम घूमने, घूमने कहाँ जा रहे हैं वो आपको गाड़ी में दिखाता हूँ। देखो गाड़ी में कौन कौन बैठ गया, ये मेरी धनों निकाल ली, और ये देखो बच्चे गाड़ी में बैठ गए। देवांश, तो वैसे पीछे देखो बच्चे बैठ के मस्ती कर रहे हैं, दोनों की दोनों। अरे किट्टू ऊपर क्या चलती है? ये गुड़िया और किरण यहाँ बैठी है, और हम पहुंच गए सोडाला। दिन के टाइम का एक बेनिफिट ये जरूर होता है ना कि ट्रैफिक मिलता ही है, लेकिन रोड लगभग खाली खाली सी है। और मैं गाड़ी चलाता हूँ बहुत इकोनॉमिक स्पीड पे, मैं तेज नहीं चलाता, स्पेशली जब फैमिली साथ बैठी हो तो, और अकेले में भी नहीं चलाता तेज, तो 50-60 की स्पीड मेरी नॉर्मल रहती है। तो गाइस पहुंच गए हम सुरंग के पास में। किट्टू पहाड़ को देख के बोलिए, अरे देखो पहाड़। किट्टू क्या है ये? पहाड़। ये है सुरंग टनल। तो गाइस यहाँ पे हमको राहुल भी मिल गया ज्वाइन करने के लिए। अब हमारे गांव में माताजी हैं, उनको दिखाता हूँ आपको मैं। ये 7 दिनों के बाद से यहाँ पे पूरे नॉर्थों में जीवन होता रहता है। ये हमारा गांव के अंदर है, मेरा प्रॉपर गांव है ना, वहाँ पे है सेवरा घाटी के अंदर, बड़ी माता है यहाँ पे, तो ये उनके लिए है, ये मंदिर है। वो कहते हैं ना कि छाया आती है किसमें, तो वैसे हमारी दादी जी हैं उनमें आती थी, उनका मंदिर, उनके वो भी दिखाऊंगा आपको फोटो। अब तो वो नहीं रहे, अब उनकी बेटी में आती है। अच्छा ये देखो गाइस भीड़, अब देखो जगह नहीं है मंदिर में दर्शन, ये लेडीज डिपार्टमेंट ज़्यादा लॉक करके रखता है जगह को। तो गाइस कर लिए दर्शन, या दमा टाको रानी चंपा करे मिली जमान अंडे सभी मिले जे। तो देवासन के लिए ढोक, और अब आपको हमारी दादी जी की दिखाता हूँ। ये सामने मंदिर हो रहा है, ये हमारी दादी जी की मूर्ति है, पहले इनमें आते थे माता जी, अब इनकी बेटी में आते हैं, वो है शिव जी का मंदिर। तो गाइस कर लिए दर्शन, और अब चल रहे हैं घर की ओर,
घर आ गया। हालत देखो कैसी कितनी बुरी हो गई, बहुत बुरी हालत हो गई आज तो। मुंह सब कुछ ये सर मेरी मजाक उड़ा रहा, बोले पहले से ऐसी थी। टकलू है ना पापा थोड़े नहीं टकलू, टकलू तो तू है, पापा नहीं है, तू है टकलू। कौन है गुड्डू टकलू? कौन है टकलू? कौन है मेरे को बता पहले, पैर छोड़ दो, पैर छोड़। टकलू कौन है? कौन है टकलू? वैसे क्या बोल रही है, इसकी भाषा किसी को समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ये कहना क्या चाह रही है तू? है गुड़ा गुड़ा कहना क्या चाहती तू? अरे कहना क्या चाहती तू? है कहना क्या चाहती? घूम के आ गई है। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरे गांव का टूर भी आपको पसंद आया होगा। बाय बाय।